संसद में अडानी पर राहुल गांधी का लगातार सवाल पूछना, मोदी अडानी महाघोटाले का पर्दाफाश करना, क्या आपको लगता है उन पर भारी पड़ा और उसका ही खामियाजा, उसकी कीमत आज उन्हें चुकानी पड़ रही है? देखिए, राहुल जी ने हमेशा देश हित में सवाल किया है और राहुल जी ने कभी ये नहीं सोचा कि उन पे क्या भारी पड़ेगा, पर सच्चाई ये है कि आज ये सवाल जो है वो उसके चलते भाजपा ने उसके सदस्यता रद्द करवा दी। ये जो पूरा तरीका था, ये जो पूरा इनका गेम प्लान था, सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी को संसद से बाहर रखने का, ताकि उनके जो मित्र है, जो एक ज़माने में 2014 में रैंकिंग था शायद 609 रैंकिंग था इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पावर, आज वो दुनिया का सेकंड अमीर इंसान बन गया। तो ये बिल्कुल जो आपने जो मुझसे सवाल किया कि क्या वो राहुल जी पे भारी पड़ा, तो मैं ये कहूँगी कि इस पर जो गरीब देश के लोगों पे ये सवाल भारी पड़ा है, क्योंकि राहुल गांधी जी में इन लोगों के पास जो देश के जनता के सवाल उठाने वाले जो इंसान थे, वो संसद में आज सवाल उठाने के लिए और भाजपा के नेतृत्व को खटेरे में खड़ा करने के लिए भाजपा ने तरीके से उनसे उनको बाहर। गौतम अडानी को लगातार ये सरकार बचाने में क्यों लगी है, क्योंकि लगातार जेपीसी की मांग हुई लेकिन ना गठन हुआ ना जवाब आया। देखिए, क्रोनोलॉजी समझने की ज़रूरत है इसमें, ये पूरा घटनाक्रम की। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लाखों लोगों से संपर्क में आए, उन लोगों ने राहुल गांधी जी को अपनी बातें बताई, कई लोगों ने, और भिन्न भिन्न आप आर्म फोर्सेस के लोग हैं, आम जो दुकानदार हो, महिलाएं हैं, टीचर्स हो, नर्सेस हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, बच्चे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, तो विभिन्न क्षेत्र के लोग उनसे मिले और उस दौरान उनसे अलग अलग अपनी समस्याएं भी रखी। अब जब राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में आके वो बातें को रखने लगे और ख़ास करके अडानी पे सवाल उठाए, उन 38 शेल कंपनीज पे सवाल उठाए और ये सवाल पूछा गया कि वो 20,000 करोड़ रुपया कैसे उन शेल कंपनीज में आए, तो फिर ये पूरे सरकार को कटहरे में खड़े करने का काम राहुल गांधी जी ने किया है, जिसके चलते मैं वापस ये कहूँगी कि तरीके से उसके सदस्यता को रद्द करवा दिया। आप ये सोचिए कि आज तक के भारत के इतिहास में क्या मानहानि के दावे पे कभी 2 साल का सजा सुनाया गया? भारत के इतिहास में ये पहला केस होगा जिस पे मानहानि के दावे पे 2 साल की सजा, और किस तेज़ी से ये केस को सॉल्व किया गया, और इतनी तेज़ी से अगर काम करते तो आज मुझे लगता कि देश की जनता सुखी होती। पर बाकी केसेस के लिए उनके पास वक्त नहीं है। आप देखिए, टेनी की बात करें या लेटेस्ट, मैं दूर क्यों जाऊं, लेटेस्ट ब्रजभूषण शर्मा जी वो जो उनके संसद में बैठे सांसद हैं, उन पर तो बहुत आरोप है। खुद महिला रेसलर्स ने उन पर आरोप लगाया, वहाँ पे तो FIR तक दर्ज नहीं हो पा रही है। तो ये पूरे तरीके से साफ है, ये बात साफ है कि मोदी सरकार और मोदी जी अपनों को बचाने के लिए जो विपक्ष की जो मेन जो विपक्ष में जो वो लीडर जो आवाज़ उठाता है राहुल गांधी जी, उसको संसद से बाहर रखना, वो समझते हैं कि कांग्रेस का आवाज़ दबेगा, जो विपक्ष है वो डर जाएगा। पर राहुल गांधी जी ने सभी को सिखाया, डरो मत, और डरने वालों में से नहीं है कांग्रेस। राहुल गांधी का संसद में होना ज़रूरी क्यों है, मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है? देखिए, मैं कहूँगी कि राहुल गांधी जी का संसद में इसलिए होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि राहुल गांधी जी आम इंसान की आवाज़ उठाते हैं। राहुल गांधी जी बिना डरे अपनी आवाज़ उठाते हैं, और उनकी जो आवाज़ होती है वो जन जन की आवाज़ होती है, उनकी जो आवाज़ होती है वो उस इंसान की आवाज़ होती है जिसके पास कोई नहीं होता उनका आवाज़ उठाने के लिए। राहुल गांधी जी का संसद में होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो एक मजबूत विपक्ष की ज़रूरत होती है। मजबूत विपक्ष को किस तरीके से
भाजपा कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पूरे कुछ महीनों के घटनाक्रम से साफ हुआ है। राहुल गांधी जी का संसद में इसलिए भी होना ज़रूरी है क्योंकि राहुल जी केवल वो इंसान है और जो बिना डरे इसलिए भी, और उन पे अगर आप ये देखिए कि इतिहास उठा के देखिए किस तरीके से पूरा भक्तों के ट्रोल आर्मी भाजपा ने बार बार उनको डिफेम करने की कोशिश की, पर वो बिना डरे आवाज़ उठाते हैं। तो राहुल गांधी जी का संसद में होना एक आम इंसान के जो को ताकत देने के बराबर। आपने भी जिक्र किया कि किस तरह से राहुल गांधी लगातार आम जनता की आवाज़ उठा रहे थे, एक सोची समझी साजिश के तहत भाजपा ने उनकी सांसदी रद्द करवाई। अब आपको लगता है इसमें बीजेपी का भी कुछ फायदा है या नुकसान है? जो लोग अपने फायदे के बारे में सोचते और देश के फायदे के बारे में नहीं सोचते वो कभी भी फायदा उनको नहीं मिलेगा। ये कर्म आपको यहीं पे भुगत के जाना होगा। हमें विश्वास है कि राहुल गांधी जी और मजबूत हुए हैं इससे। हमें ये विश्वास है कि राहुल गांधी जी संसद में नहीं होते हुए भी जन जन की आवाज़ जिस तरीके से उठाते हैं वही होता रहेगा, और जो देश का जनता है, राहुल गांधी जी को ये संसद से निकाल सकते हैं पर लाखों लोगों के दिल से कैसे निकालेंगे नरेंद्र मोदी जी और उनका पूरा ट्रोल आर्मी और उनके पूरे जो उनके पास जो पूरा तंत्र है जो सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाता है। ये झूठ जितना भी फैलाएं राहुल गांधी जी को लोगों के दिल से और जनता के दिल और दिमाग से निकालना नामुमकिन है। राहुल गांधी जी संसद में, मुझे पूरा विश्वास है सुप्रीम कोर्ट पे कि आने वाले वक्त में दूध का दूध और पानी का पानी होगा, आने वाले वक्त में सत्यमेव जयते की जय होगी, सत्य की जीत होगी।